ओ यो 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 भाई लोग, सो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक ही टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में गाइस। और जैसे कि यहाँ पर आपने पिछले एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर देख लिया था कि मैं जो ओएलएक्स के ऊपर से दोस्तों अभी मुझे यहाँ पर लैम्बोर्गिनीज वगैरह खरीदनी है और मैंने यहाँ पर दोस्तों 3 गाड़ियों की डील जो है कंप्लीट कर ली थी और वो गाड़ियाँ दोस्तों मैंने बैनी को दी थी ताकि वो उनको एक अच्छे तरीके से रिस्टोर कर सके और अच्छे तरीके से वो गाड़ी यहाँ पर लुक वगैरह में गाइज हो जाए। और मुझे एक दो काम और भी है, थोड़ा सा अपना हेयर कट वगैरह भी करवाना है यहाँ पर, तो दोस्तों बहुत महंगा हो रहा है और इनके पास वाला डिज़ाइन है भी नहीं जो उनसे मुझे करवाना, तो सबसे पहले तो मुझे अपना हेयर कट भी दोस्तों यहाँ पर करवाना पड़ेगा। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मस्त अपनी गाड़ी चलती है भाई, ये ऑडी जो है दोस्तों इसको कैसे भी चला लो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे अच्छी प्यारी और बात मुझे दोस्तों ये लगती है, देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो क्या है, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, क्या बात है दोस्तों, बढ़िया। तो गाइज एक बार बार मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए मैं गाड़ी को जो है अपनी यहाँ पर बैक करके दोस्तों पार्किंग में लगा देता हूँ आराम से। ऑलराइट देन, तो गाइज मैंने अपनी कार को जो है पार्क करके यहाँ पर लगा दिया हेयर ऑन हैविक बाबर्स। तो मुझे गाइज यहाँ पर कट एंड शेव्स, तो मुझे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है अपनी शेव वगैरह भी मैं करवाऊंगा। थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू सो मच। हेयर स्टाइल दिखाओ, मैं गंजा होना चाहता हूँ। कटप्पा कटप्पा बनेगा तुम्हारा भाई, बिल्कुल दाढ़ी में रखूँगा जाहिर सी बात है, बट मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा दूसरे यहाँ पर परेशान हो भी गया था क्योंकि थोड़ा सिर में ना जुए हुए हो गई थी माइकल के, बहुत टाइम से रात सो रहा था अमेंडा के साथ, तो अमेंडा बोलती है जी तुम ना थोड़े से बाल वगैरह कटवा लो, जुएँ काट रही हैं, उनके भी काट रही थी। अब भाई देखो अरे भाई ये बस वाले भैया कहाँ बस को मोड़ रहे हो, सीधे भी तो लेकर जा सकते हो, यहीं पर मोड़ना ज़रूरी है। टना टा 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 टना टा 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 टना टा टा टना टा, क्या बात है दोस्तों। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं दोस्तों शहर में, वरना और क्या चीज़ें हैं दोस्तों। बढ़िया बढ़िया, क्या बात, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो स्टीयरिंग किस टाइप से घुमा दोस्तों, एक नंबर जिसको कहते हैं ना मजा आना वो होता है। क्या मजा आ रहा है यार गाड़ी को चलाने में दोस्तों। चलिए लेस्टर के पास चलते हैं यार जल्दी से, फिर लेस्टर से भाई कुछ काम था लेस्टर से। अब यार तेरी तो दोस्तों, अब आपको पता होगा मेरे मैंने यहाँ पर जो गोल्ड वगैरह इकट्ठा किया था दोस्तों, तो उन पैसों से मुझे यार यहाँ पर ना अपार्टमेंट्स वगैरह बनवाने हैं, तो अकाउंट्स की जितनी भी जिम्मेदारी है भाई यहाँ पर मैं जो है लेस्टर को देने वाला हूँ। एक बार उसके साथ बैंक भी जाना है, बस थोड़ा सा पैसा वगैरह उसके बैंक में जो है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए उस वजह से, और फिर बस अपनी जो है और मेरी 2 गाड़ियाँ और रह गई हैं उनकी डील यहाँ पर कंप्लीट करवानी है, ठीक है ना। चलिए भाई ये गाड़ी देखो क्या मस्त लग के आ रही थी यार यहाँ पर, भयंकर। चलो भाई चल चल तेरी ऐसी तैसी भाई, ये गाड़ी की वैसे भी दोस्तों बहुत बुरी हालत हो रखी है। चलिए ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों मैं जो है लेस्टर को कॉल करके बाहर ही बुला लेता हूँ क्योंकि भाई मैं तो देखो अभी अंदर जाने वाला नहीं हूँ, तुम्हें पता है फिर यार लेस्टर जो है बिठा लेगा, कहेगा चाय नाश्ता तो खा कर जाओ पी कर जाओ, पर भाई देखो अभी मेरे पास चाय वगैरह पीने के लिए बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर जो है टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं जो है उसको यहाँ पर बाहर ही फ़ोन करके बुला लेता हूँ। लेस्टर भैया, हाँ भैया थोड़ी सी ख़राब हो रखी है बट मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें,
देख लो फिर, अब तुम जा रहे हो तो गाइज यहाँ पर लेस्टर का कहना है कि तुम लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट हो, बट फिर भी मैंने कहा सिंपल रहता हूँ तो लोग बाग यही देखेंगे कि कितनी सिंपल सी गाड़ी में घूम रहा है, बट कह रहा है बेटा ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पर चाहे तो वो गाड़ी चोरी कर लो, बट इसके अंदर मैं तो नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। तो भाई इसके मोहल्ले में एक गाड़ी खड़ी है, ये कह रहा है पड़ोसियों की आई हुई, यही उठा लो, कम से कम साफ सुथरी तो लगेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रेसिडेंट होके भी दोस्तों ऐसे ऐसे कारनामे करने पड़ रहे हैं, देख लो। ये गाड़ी कौन सा अपला पर ही है, फोर्थ गियर डल गया इसमें, गियरिंग सिस्टम ठीक नहीं है इसका। सही है, अभी दोस्तों किसी ना किसी कार के अंदर तो वहां पर पहुंचना ही था ना, तो इसी गाड़ी में सही। 5 गियर हैं किसके अंदर, अच्छा मैं तो 6th गियर लगाया था, फिफ्थ गियर के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर चलता हूँ, ताकि हायर आरपीएम के ऊपर भी जो गाड़ी ना जाए और आराम से चलती भी रहे। हॉर्न वगैरह भी सही है, क्या है यार ये, कुछ गाड़ियां अजीब सी होती है ना यार, पता नहीं कंपनी इन कार्स को बना क्यों देती है, ऐसा लगता है धरती पर बोझ है दोस्तों वाली कार्स जो है। बढ़िया, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ओह माय गॉड, फाइनली वी रीच हियर। यहाँ पर कुछ भौकाल सा मचा रहता है भाई इन सड़कों पर तो। चलो जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी गाड़ी ठुकने वाली है तो फिर से रोको मत, स्टीयरिंग तो खास करके मत पकड़ो। चलिए दोस्तों फाइनली वी आर हियर, अरे भाई साइड हो जाना, आ जा भाई लेस्टर। तो गाइस मुझे लेस्टर को अपने अकाउंट्स वगैरह को कुछ सामान वगैरह दोस्तों वो देना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेने हैं, आ जा भाई लेस्टर जल्दी आ। ओके तो गाइस यहाँ पर भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई, ए मामा केरता आ जा, पैसिफिक बैंक स्टैंडर्ड हम। ऑलराइट गाइस, तो हम जो बैंक में आ चुके हैं, मुझे जो है लाइन में लगना पड़ेगा अभी। चलो अंडर सीसीटीवी फुटेज, तो भाई सही है। अभी तो देखो दोस्तों यार मैं लाइन में लगा हुआ है, लाइन सबके लिए इक्वली होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भाई प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे लिए लाइन नहीं होगी दोस्तों, जी हाँ मेरे लिए भी दोस्तों लाइन ही होगी। ओके हो जा हो जा हो जा, उस वाली विंडो पे कोई है क्या, वहां पर तो वैसे भी दो ही लोग हैं यार, मैं इससे एक बार जाकर बात ही कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अरे वैसे भी चलेगा यार, इन्हें तो कोई मतलब भी नहीं था। हाँ जी तो सर, मैं मुझे अपने बैंक की जो है सबसे पहले तो एक रसीड वगैरह चाहिए कि कितना अमाउंट मैंने जो है इसके अंदर जो है फिल करवाया था वो सब कुछ, ठीक है ना, और मेरा करंट अकाउंट है यू नो दैट लॉस सैंटोस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और जो यहाँ पर गवर्नमेंट का फंड अकाउंट है उसके अंदर से कुछ पैसे भी निकलवाने हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप मुझे ट्रांजेक्शन के फॉर्म्स वगैरह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे, गुड बाय। तो गाइज यार यहाँ पर अपना काम कंप्लीट हो चुका है, जो मुझे पैसे निकलवाने थे दोस्तों पैसे आ चुके हैं, और ये पैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर देने हैं लेस्टर को। चलिए भाई आ जा भाई लेस्टर, तो उसको भाई इसके घर तक भी मैं इधर छोड़ दूंगा, फिर वहीं से निकल जाएंगे। आ जा चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ जल्दी से। ये गाड़ी भी कुछ ऐसी सी ही है, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके में चलने वाली है भी नहीं भाई ये कार, तो मैं एक काम करूँगा मैं कहीं से एक और गाड़ी उठा लूँगा भाई, क्योंकि मुझे भी जल्दी पहुँचना है यार। ये क्या 118 की स्पीड इतनी जल्दी, अबे यार क्या है ये, या आई नो दैट बट फॉल्ट इस कार का यार।
चलिए तो दोस्तों किसी इसकी पार्किंग में देख लेते ना, इस पार्किंग में मिल सकती है कोई गाड़ी सही सी। अब सही सी तो वो ऑडी R8 खड़ी है, आ जा दोस्तों सही सी ऑडी R8 खड़ी है और मैं इसी को यहाँ पर चोरी करके जो है निकलने वाला हूँ। मैंने कहा भाई सीधा इसी को लेकर निकलते हैं चलिए। और ये कन्वर्टेबल भी है, सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की ये लगी है। क्या बात है, ये लग रहा है कि कुछ गाड़ी हाँ मैं चला रहा हूँ हाथों में। क्या कंट्रोलिंग देख रहे हो कितनी प्यारी है कार की, एक नंबर। ओ भाई साहब, मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा गलत सा कर दिया भाई सीन, ऐसा भी नहीं करना चाहिए था मुझे। चलिए बेसिकली दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी को बहुत प्यार से चलानी चाहिए, जो बात है वैसे तो। चलिए चलो बढ़िया, राइट तो लेस्टर का मेरे ख्याल से अगला वाला मूड है, यही है। भाई मेरी गाड़ी यहाँ से किसने उठा ली। चल भाई लेस्टर मैं मिलता हूँ फिर तुझसे, चल ले बैग रख और भाई देख किसी को बताइए मत इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना लेस्टर। आजा चल जल्दी आ इधर से, हाँ नहीं तो वहाँ चला गया, अब इधर आ भाग कर आ जल्दी आ, आजा जल्दी से आ। और ना इस चीज़ के बारे में देख लेस्टर तुझे किसी को बताना नहीं, आजा जल्दी आ जा। गाइस तो हमने यहाँ पर दोस्तों जो है लेस्टर को छोड़ दिया, बैनी के पास चल रहे हैं, बैनी ने लोकेशन बता दी, अपने शोरूम पर नहीं कर रहा था उन गाड़ियों को, कहीं और ही कर रहा था, तो अभी तुम्हारा भाई उधर ही जा रहा है। अब मैं ये वाली गाड़ियाँ भी कुछ इसलिए बेधड़क होगा जिसकी भी गाड़ी होगी भाई उसको पैसे देने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर। ये गाड़ी जिसकी भी होगी बहुत बुरा सलूक करा है मैंने इसकी गाड़ी के साथ। बस ये गाड़ी का मतलब ये है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का, और जो वो मैं गाड़ियाँ लेता हूँ ये फर्स्ट कॉपी है ना, इसके जैसी एक ऐसी 50-60 गाड़ियाँ आ जाएगी एक उरस बिक के, इसके जैसी इतनी सस्ती है उरस, इतनी महंगी और ओरिजिनल उरस, वरना तो टॉरस भी आती है यहाँ पर उरस की कॉपी जस्ट। ओके तो यहीं पर कहीं पर बैनी ने बुलाया था मेरे ख्याल से, यही वाली जगह है। ऑलराइट देयर इज बैनी, चलिए दोस्तों इसको बंद करते हैं भाई, इसको स्टार्ट कर दूं, इसकी गाड़ी है बेचारी की बंद होकर खड़ी हो जाएगी यहीं पर, पुलिस तो वैसे ढूंढ ही लेगी ये, इसलिए बंद कर दिए ताकि कोई उसकी गाड़ी को छेड़े वेड़े ना, क्योंकि दोस्तों होता है ना भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई छेड़ते वेड़ते रहते हैं दूसरों की गाड़ी को। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच बैनी, लवली बैनी थैंक यू सो मच। तो गाइज यहाँ पर उरस कुछ दूसरे कलर में थी जब हमने देखी थी इसे, येलो में थी शायद, तो अब देख पा रहे हो क्या मस्त रिस्टोर की है बैनी ने। यह रेड में थी, इसको भी थोड़ा अलग सा कलर करवाया है और इसको कराइए वाइट, ये वो वाला करता उरस वाला। लैम्बोर्गिनी के फेमस कलर्स हैं अभी ये, तेरी ऐसी कैसी। चल क्या बात है भाई साहब,
का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से इन गाड़ियों को थोड़ी क्या साउंड है। और हजार्ड स्विच इसलिए मैं चला कर रखता हूँ ताकि सबको भाई विजिबल रहे गाड़ियाँ। दूसरा गियर डालने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल तो भी। सही है, जितनी भी लग्जरी वगैरह कार्स होती है ना, सुपर कार्स होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं ना, थोड़ा सा हजार्ड चला कर ही चलानी चाहिए। मेनली जब तुम कहीं अलग ही लोकेशन पर चला रहे हो, ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उससे क्या होता है गाड़ी की विजिबिलिटी का पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर कोई कार चल रही है, अगर किसी को ना भी पता हो तो। क्या कार लग रही है दोस्तों, बढ़िया। और भाई ये जो मेरी वॉच है ना, ये मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा चुभ रही है ये वाली, तो चलिए मैं इसको भी दोस्तों यहाँ पर जो निकाल कर रख ही देता हूँ, है ना। क्या बात है, ये भी सही रही, इसको यहाँ पर रख दिया जाए, बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, हाँ ये गाड़ी मैंने टेस्ट कर ली, अब इसको देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर इंजन में तो कोई कमी नहीं आ रही। ये तो चलाने वाला ने बहुत इजी है ये वाली, इसका तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना है, कहीं कोई निकाल लो उस टाइम पे, कहाँ लैम्बोर्गिनी, नॉर्मल कार जितना है, कौन कह देगा लैम्बोर्गिनी है। आज की बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर देती है, पर ये साउंड पहले से ज़्यादा बेहतर कर दिए, पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं साउंड। चलिए 3.5 की बैजिंग दी गई थी तो काफ़ी अच्छे इंजन माना जाता था इसको। आज दो गाड़ियाँ हो रही हैं, बस वो आ जाएँ तो सही रह जाएगा। देख लो विदाउट क्लच चलती हैं इसमें, क्लच सिर्फ रोकते हुए काम आता है। चलिए सही है, काफ़ी अच्छे। अब उरस, यूरस मुझसे सबसे ज़्यादा प्यारी कार लगती है यूरस। यूरस तो भाई ऐसी हुई है दोस्तों, लग गया क्या नीचे कुछ इसके, इसके नहीं डल रहे गियर बिना विदाउट क्लच, उस गाड़ी के डल रहे थे क्या। गाड़ियों गाड़ियों का फर्क होता है क्या, इनमें सबसे तेज अवेंडर है, इन गाड़ियों में सबसे तेज दोस्तों अवेंडर ही है, और वो लगी भी मुझे, जो बात है दोस्तों। तो भाई बैनी के पास ही में गाड़ी है, ओ भाई साहब, खैर चलो अभी तो फिलहाल गाड़ी बैनी के पास ही है, बैनी कर देगा ठीक। ऐसी लोकेशन पर खड़ी कर रखी थी यार, गलती हो जाती है बैनी, हल्की सी गलती हो गई भाई यूरस के साथ, ज़रा देख लियो मेरे भाई ठीक है। ये यूरस हल्की सी ठुक सी गई है, इसका कांच वगैरह चेंज कर दियो ठीक है। बाकी यार मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर, दो गाड़ियाँ और लेकर आनी है, मैं तुझे कल भिजवा दूंगा ठीक है, फिर 5 की 5 में ले जाऊँगा तेरे से उठाकर। चल
और एक गाड़ी दोस्तों मैंने यहाँ पर देख भी रखी है, पर उसके लिए मुझे यहाँ पर सैंडी शॉर्ट्स जाना पड़ेगा दोस्तों उसके लिए। यार आप सभी लोग यहाँ पर इस गाड़ी को देख पा रहे होंगे, इस गाड़ी को देखते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी दोस्तों। बैनी ने मॉडिफाइड कर रखी है अपने लिए पर्सनल, ठीक है। और भाई मैं इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सैंडी शॉर्ट्स से पहले ही एक बंदे के पास जाना है, और उसके पास यहाँ पर जो है कस्टम वाली कार है लैम्बोर्गिनी हुरैकन, ईवो आपको ऐसे बोल सकते हैं उसको। ये गाड़ी मस्त बना रखी है दोस्तों बैनी ने अपने लिए, बट बैनी ने सिर्फ मुझे दिए दोस्तों। वो कह रहा है भाई थोड़ा ध्यान से रखना गाड़ी को। मैंने कहा यार गाड़ी भी कोई चीज़ है, ध्यान से रखूँगा यार मैं तेरी गाड़ी को। मैं तेरी गाड़ी के साथ कौन सा यहाँ पर लड्डू पेड़े बांटने वाला हूँ, है ना दोस्तों। एक गाड़ी ही तो है ये, तो यानी कि भाई बहुत बड़ा पहाड़ है। चलो क्या बात है, वैसे गाड़ी काफी ज्यादा मजेदार वे में चल रही है। चलो मेरे चलाने में दिक्कत है क्या? अब मुझे खुद को भी ऐसे लगने लग गया है मेरे चलाने में दिक्कत है दोस्तों। चलो क्या बात है दोस्तों। बढ़िया तो यहाँ पर उस लोकेशन पर बुलाया, लोकेशन तो भाई बहुत ज़्यादा पुरानी सी लग रही है और लगता भी नहीं देखकर यहाँ पर भाई किसी के पास हुरैकन ईवो होगी भी, होगी नहीं भाई है। मैंने उसको बोल दिया था, ओ भाई स्नाइपर क्यों निकाल ली। हेलो सर कैसे हैं आप? ये मॉडल क्या बताया था सर आपने, मॉडल क्या बताया था आपने सर गाड़ी का, इस वाली गाड़ी का? राइट गाइस, तो ये बंदा भाई अपनी यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह में दोस्तों लगा हुआ है। चलिए हम दोस्तों इसके यहाँ पर जो है लगा रहने देते हैं। और गाइस इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर गाइस आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो भाई बंदा है मतलब कि अपने आप को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा भाई कारिंदा वगैरह यहाँ पर समझ रहा है। अब दोस्तों ऐसा क्यों मैं आपको देखो अभी यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि इस बंदे ने ऐड डाल रखी थी यहाँ पर दोस्तों 5 करोड़ रुपीज़ के, भी यहाँ पर बोल रहे 7.8। मैंने कहा खैर कीज़ दे दो, कीज़ जो है गाड़ी में लगी है। इसने कहा आप चला कर देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जानता हूँ आप लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट हैं। और कह रहा है मेरी गाड़ी में GPS लगा हुआ है, कहाँ किधर भी जाओ गाड़ी को लेकर गाड़ी जो है ट्रैक हो जाएगी सर। सही है, गाड़ी तो सही है, इंटीरियर वाइज भी क्वालिटी हुरैकन में अच्छी आती है। वैसे तो ये कन्वर्टेबल हुरैकन है, दोनों ही गाड़ियाँ कन्वर्टेबल हो जाएंगी दोस्तों, हुरैकन भी अवेंडर टॉर भी। चल खैर कोई बात नहीं दोस्तों, कलेक्शन में आनी भी तो चाहिए ना। खड़ी गलत जगह पर कर रखी इसने, ग्राउंड क्लियरेंस तो देख लो कैसा है, गाड़ी को देख लो कहाँ खड़ी कर रखा है इनने। भाई साहब जरा जरा सा बच गया भाई ये बंदा। चलिए दोस्तों इस गाड़ी की डील करते हैं, मुझे खैर दोस्तों कार जो है पसंद आई। हाँ तो एक्सक्यूज मी सर, कैन वी टॉक सर, सर कैन वी टॉक, कैन वी टॉक नाउ, कैन वी टॉक। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ सर 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 सर, सुनाई नहीं देता है क्या?
हम भी लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को इज्जत है हमारी या फिर नहीं। Right, guys, तो फाइनली भाई जो डील कंप्लीट हो चुकी है 4 करोड़ में मैंने उसे बनाया। मुझे कमी पता चल गई इस गाड़ी, कुछ गाड़ी में कुछ कमियां भी है, गाड़ी एक्सीडेंटल है इसीलिए 4 में दी उसने। जब मैंने कमियां वगैरह की ना भाई ना, ये साउंड चेक करना होता है कि गाड़ी से फ्लेम कितनी बार निकल रही है इंजन से। रेगुलरली निकलती रहती है तो इंजन बहुत मस्त है, इंजन लाइन से गाड़ी बहुत मस्त है। खैर पे आराम से ले जाऊंगा मैं इस गाड़ी को आराम से। ये देखा ब्रेकिंग की भी दिक्कत है इसके अंदर, बेनिफिक्स कर देगा वो सारी चीजें। तो गाड़ी जो फ्रंट से ठुकी हुई है, थर्ड गियर डाल दिया, फोर्थ गियर डाल दिया, फिफ्थ गियर डाल दिया, सही चल रही है अब तक तो। सिक्स गियर डाल दिया दोस्तों, अब देखो अब सही भी चल रही है वैसे तो गाड़ी, कार में कोई दिक्कत नहीं है, 200 आराम से टच हो जाएगी। नॉर्मल मोड पर चल रही है अभी, स्पोर्ट्स मोड नहीं एनेबल किया मैंने, करना भी नहीं अभी, उसने मना किया था कि सर एक बार पहले सर्विस करवा ली तब कर लेना, कभी आप मुझे बोलो बाद में दिक्कत आ रही है गाड़ी में कुछ। तो इसलिए दोस्तों मैं जो है थोड़ा बाद में इसका जो है स्पोर्ट्स मोड जो राइट गाइस, तो हम जो है फाइनली यार यहाँ पर जो आ चुके हैं। ले भाई हुरैकन ईवो, ठीक है अब जो है बैनी एक लास्ट कार रह गई है, अब बस मुझे एक वो लेकर आनी है यहाँ पर, उसके बाद आज का अपना सारा का सारा काम ख़त्म, ठीक है ना। और वो दोस्तों मुझे पता है मुझे गाड़ी वो कहाँ से लेकर आनी है, ठीक है ना। चल बैनी मैं मिलता हूँ तुझसे, इधर तू ये सब देख। चलिए दोस्त इतने हम चलते हैं जल्दी से और वो गाड़ी लाने का यहाँ पर बंदोबस्त। ओके बाय 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 बाय। तो गाइस आप सब वहाँ पर हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं, तो एक बंदा आया था और उसने एक गाड़ी यहाँ पर इंपोर्ट करा रखी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इलीगल तरीके से उसने यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ भी कर रखा था। ये लैम्बोर्गिनी है और ये सीक्रेट साइड डीलर था, पुलिस के लिए इसने कस्टमाइजेशन की थी। कहता सर अगर आप इसको अपने शोरूम पर रखोगे या बेचोगे ऐसी कस्टमाइज़ करवा कर इस गाड़ी का डिज़ाइन पूरा देखकर, तो लॉस सैंटोस की पुलिस भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। वैसे दोस्तों बिल्कुल सही कहना था उस बंदे का, और इंटीरियर में से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है। वैसे मैं आपको दिखाऊँ तो आप सब लोग यहाँ पर अंदर से देखिए क्या लग रही है। मैं स्क्राइब बंद करता हूँ, यहाँ पर देखिए पैनासोनिक का वो लगा रखा है जिसके अंदर पूरी की पूरी दोस्तों पुलिस की हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर मिलती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी को जो है मॉडिफाइड कर रखा है दोस्तों बंदे ने। और कह रहा था सर काफ़ी प्यार से लेकर जाएगा, बहुत उससे मैंने बनाई इस गाड़ी को, इसका ऑटो स्पॉयलर भी है कह रहा है सर गाड़ी में, यहाँ से पीछे से निकलता है दोस्तों और ऊपर हो जाता है। मैं बेसिकली पहले आराम से दोस्तों इस गाड़ी को यार यहाँ से बाहर निकाल लूँ क्योंकि रोड सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। आराम से ही चलानी चाहिए भाई ऐसे ऐसे रोड्स के ऊपर तो दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इन चीज़ों का भाई, और रहता भी है गाइज। राइट गाइज, तो यार मैंने इस गाड़ी की बहुत तारीफ सुनी है दोस्तों। वीडियो को बंद करने से पहले जाने से पहले दोस्तों एक बार इसका एक्सेलरेशन टेस्ट हो जाए, तो 3, 2, 1 गियर शिफ्टिंग देखना मैं किस हिसाब से करूँगा। काफ़ी अच्छे हिसाब से दोस्तों पूरा आरपीएम खींचने के बाद मैं गियर शिफ्टिंग गाड़ी की करूँगा।
सिक्स्थ ग्रेड लग चुका है बहुत हल्का सा स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है बहुत हल्का सा इशारा चाहिए होता है अगर ऐसी गाड़ी पुलिस वालों के पास हो जाए ना दोस्तों तो लॉस सैंटोस के जितने भी गुंडे हैं या फिर जो भी है दोस्तों उनकी छुट्टी हो जाएगी कसम से बता रहा हूँ देखो टॉप स्पीड 250 और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी कार है मैं आपको बता दूँ समझ रहा हज़ार चला देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो ऐसे एकदम करूँगा तो बैलेंस बिगड़ेगा ना समझ रहे हो गाड़ी चलने में स्मूथ होनी चाहिए पावरफुल भी होनी चाहिए बेसिकली पच्चीस छब्बीस पे इसकी स्पीड लॉक है और बहुत तेजी से एक पुलिस दोस्तों जिसे मेरे जैसे यहाँ पर चलाने का एक्सपीरियंस हो वो तो देखो आ सकता है नॉर्मली तो गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नहीं कि मारुति चलाने वाला बंदा तुमने लैम्बो में बिठा दिया वो भगा ही नहीं पाएगा इतनी स्पीड कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा वो ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी तो दोस्तों इस गाड़ी को बैनी के पास लेकर जानी है उससे पहले दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि अच्छी वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों लगी है तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड ऑब्वियसली यार शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक दोस्तों यहाँ पर नहीं किया है तो ठीक है ना बाकी यार मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर तब तक के लिए ख्याल रखिए खुश रहिए बाय बाय।